गाइस आपका स्वागत है एक बार फिर शिवम मैथ क्लासेस में। आज हम वही बात करें एनसीईआरटी क्लास टेंथ के थ्री लेसन जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 हो गया है, 3.2 देखते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए देखिए क्या दिया है। लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब जो हमारा नीचे क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। ग्राफिकली देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब क्लास टेंथ के 10 स्टूडेंट्स जिसमें बॉयज़ और गर्ल दोनों शामिल हैं वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए आगे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब कह रहे हैं यदि नंबर ऑफ गर्ल गर्ल का संख्या बॉयज से 4 ज़्यादा है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल निकालिए जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या है। हम लोग मान लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ है वाई एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें जो हमें दो सिचुएशन दिया था, एक था कि मैथमेटिक्स क्विज में टोटल 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके 10 स्टूडेंट्स जिसमें से दोनों था, बॉय भी था गर्ल भी था। तो बॉय हमारा वाई है एंड गर्ल एक्स है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। मतलब दोनों मिला के ये लोग पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। ये तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या कहता है। सेकंड में बोला गया था, देखिए सेकंड में क्या बोला था, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है गर्ल्स। तो देखिए एक्स हमारा हो गया गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब वाई प्लस 4। वाई हमारा बॉय है, बॉय से 4 अधिक है गर्ल्स। तो ये इसको y को हम लोग इधर ला देंगे ताकि इक्वेशन का फॉर्म हमारा बन सके। ये तो हमारी इक्वेशन फॉर्म नहीं होता है, तो x प्लस वाई को इधर लाएं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमें इक्वेशन पता चल गया है, अब हम इसका पॉइंट निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे ताकि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। देखिए कैसे आएगा। x का हम 5 वैल्यू लिए, ये हम लोग वैल्यू लिए हैं आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का। अब आपको बताते हैं कैसे आया है ताकि समझ में आ सके अच्छा से। तो इस इक्वेशन में हम लोग एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, किसी का भी पुट कर सकते हैं, या एक्स का करें या फिर वाई का करें। तो देखिए हम वाई का करते हैं, एक्स प्लस वाई की जगह हम लोग 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 10। एक्स इज इक्वल टू 10, ये प्लस 5 इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में हम लोग y का वैल्यू 6 रखना है। सेकंड में y का वैल्यू 6 रखने पर देखिए क्या आता है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, प्लस 6 इधर जाएगा माइनस 6। तो x इज इक्वल टू 4, देखिए 4 आ रहा है x, y है 6। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लोग पहले y का वैल्यू 3 रखेंगे तो देखेंगे कि 7 आ रहा है कि नहीं। देखिए x माइनस ये 3 हमको रखना है, 3 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू ये 4 था, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। अब देखिए दूसरा क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू है 0 और ये है 4। x में से 0 घटेगा तो x ही होगा, तो x इज इक्वल टू 4 आ रहा है हमारा वैल्यू सारा, ये 7 3 ये 4 0। अब हम लोग इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, चलिए ग्राफ पेज पर चलते हैं। ये देखिए हम लोग ग्राफ पेज पर आ गए। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था। हमने पॉइंट्स का वैल्यू पीछे फाइंड किया था, यहाँ पॉइंट का वैल्यू रख दिया, यहाँ भी वहीं रखे हैं। अब सिंपली ऐसे ग्राफ हम लोग खींचते हैं, खींच लेंगे यहाँ वाई पॉजिटिव और यहाँ एक्स पॉजिटिव। हमारा वैल्यू नेगेटिव नहीं है इसलिए हम लोग नेगेटिव नहीं ले रहे हैं।
अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप इस साइड एक्स का नेगेटिव लीजिए और नीचे वाई का नेगेटिव लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्राफ खींच कर, ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं। एक्स का वैल्यू है 5 एंड वाई का वैल्यू 5। हम लोग ऐसे चलते हैं इस तरह नीचे की तरफ से 5 5 लेकर, नहीं कि 4 5 लेगी तो दोनों एक्स का हो जाएगा, तो हम लोग पुट कैसे करेंगे, इसलिए एक्स 5 लेकर 5 5 लेकर चलते हैं। देखिए एक्स का भी हमारा 5 चाहिए एंड वाई का भी 5 चाहिए, तो एक्स हमारा ऐसे जाएगा ऊपर, 5 फाइंड कीजिए कहाँ पर है। देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद हमें 5 भी इसी पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम हो गया 5 5। देखिए हम यहाँ लिखे हैं 5 5। अब सेकेंड पॉइंट ढूंढिए, सेकेंड में एक्स 4 एंड वाई 6। देखिए एक्स 4 यहाँ पर है एंड वाई का 6। देखिए अब ऊपर जाइए इसी प्रकार, इसी तरह सब में ऊपर जाना है। वाई 6 कहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर आने के बाद हमें मिल रहा है वाई 6। देखिए यहाँ वाई 6 है और एक्स 4 है नीचे जाने पर, तो ये पॉइंट हो गया 4 एंड 6। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों को स्केल से बीच से बाइसेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन खींचे हैं और यहाँ इक्वेशन का नाम लीजिए, रख दीजिए जो हमने लिया था। तो ये इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिए हैं। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो इसमें आया है x 7 और y 3, तो x 7 हमारा यहाँ पर है एंड y 3 हमारा ये इस पॉइंट पर हो जाएगा। देख लीजिए y 3 हो रहा है इस पॉइंट पर एंड x 7 हो रहा है इसी पॉइंट पर, ये एक पॉइंट हमारा हो जाएगा। और दूसरा है 4 और 0, तो 4x हमारा यहीं पर हो जाएगा x का 4, और 0 भी इसी लाइन पर होता है, ठीक है। 0 हमारा इसी लाइन पर होता है, तो 4 0 हमारा यहीं हो जाएगा। अब ये पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, अब इन दोनों को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, इसका भी नाम दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए हमसे पूछा था नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम लोग वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट इक्वेशन था, ये ऐसा आया एंड सेकेंड हमारा ऐसा गया। ये दोनों जहाँ पर बाइसेक्ट करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट का देखिए नाम क्या है। इस पॉइंट का देखिए एक्स में तो 7 नाम है इसका, मतलब एक हमारा 7 हो गया। एंड इसको जब वाई में आप देखिएगा तो वाई में हमारा 3 होगा, ठीक है। तो हमारा मिल गया नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा क्या था, चलिए हम लोग उस पेज पर लिखते हैं। देखिए हमने ग्राफ पे हमें ये पॉइंट मिला था 7 और 3, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा एक्स के लिए होता है एंड सेकेंड वैल्यू हमारा वाई के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स था एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग 7 आया हमारा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। एंड वाई हमारा आया था 3, वाई है बॉयज़ का नंबर, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब दिया था टोटल 10 स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे जब पुट कीजिएगा आप x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, देखिए यहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं, x है 7 इज इक्वल टू वाई है हमारा 3 3 प्लस 4, 7 इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वल आ रहा है, ठीक है। मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल 3 एंड 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी आप मैथ्स के वीडियो पा सके 10th क्लास के। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो हमें टेलीग्राम में या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में।